हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम देखेंगे जो कि मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है गीक्स फॉर गीक में। और इसमें ये कहा गया है कि हमें एक सीरीज गिवन है, उसका nth टर्म फाइंड करना है। तो जो सीरीज के टर्म्स हैं वो 9 है, 33, 73, 129। सो हम इन टर्म्स को नोट कर लेते हैं। 9, 33, 73 एंड देन 129। और अगर आप इसके सेक्शन में और देखेंगे, सॉरी 129 है ये, और n इक्वल्स टू 5 के लिए आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें 201 है। तो हमने 201 को भी नोट कर लिया। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इस सीरीज का nth टर्म फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कि जो पहला वाला टर्म है वो 9 है, इसका मतलब आप इसे ऐसा सोच सकते हैं कि ये 3 स्क्वायर है। लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है वो किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है। 4 का स्क्वायर होना चाहिए था बट नहीं है, या 5 का स्क्वायर भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें सीरीज ऐसी नहीं दिख रही जिसमें कि कोई डायरेक्ट पैटर्न दिख रहा हो। तो चूंकि इसमें डायरेक्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम करते हैं कि इस सीरीज के सम के लिए एक छोटा सा फंक्शन लिख देते हैं। लेट से एस एन इज इक्वल्स टू 9 + 33 + 73 + 129 + 201 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से कोई सीरीज का एन माइनस फर्स्ट टर्म होगा एंड इसी तरह से सीरीज का कोई एन एफ टर्म होगा। इसी सीरीज को हम दोबारा लिख देते हैं नीचे इसके जस्ट इसके, और टर्म को ऐसे लिख देते हैं जो सेकेंड टर्म उसके नीचे फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है उसके नीचे जो थर्ड टर्म है उसके नीचे सेकेंड टर्म, जो फोर्थ टर्म है उसके नीचे थर्ड टर्म, इसी तरह से जो फिफ्थ टर्म है उसके नीचे फोर्थ टर्म एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब आप ऐसे लिखते चले जाएंगे तो जो टी एन लिखा जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो टी एन माइनस वन है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अगर हम एक काम करें कि इस सीरीज का डिफरेंस फाइंड कर लें लाइक दिस, हर एक टर्म का आप डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। नेगेटिव, उसकी जो पॉजिटिव साइंस है वो नेगेटिव साइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एस एन माइनस एस एन हो जाएगा 0। जो पहला टर्म है वो 9 ही रहेगा, इसके बाद का जो टर्म है वो 26 हो गया, 24 हो गया सॉरी, और इसके बाद का जो टर्म है वो 40 हो गया। 129 - 73 जब आप करेंगे तो आई थिंक ये 56 आएगा। इसके बाद वाला जो टर्म है वो अगर आप करेंगे तो लेट से 72 शायद आ रहा है ये, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे आप करेंगे Tn - Tn - 1 और फाइनली आप लास्ट में करेंगे Tn - Tn हो जाएगा, क्योंकि Tn वाले का साइन हमारा चेंज हो जा रहा है। तो ऐसा करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें कि 9 को अगर आपने छोड़ दिया है, तो 9 को छोड़ने के बाद ये वाली जो सीरीज बन रही है उसमें 16 16 का डिफरेंस है। 24 और 40 में 16 का डिफरेंस है, 40 और 56 में 16 का डिफरेंस है, 56 और 72 में 16 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज हमारी बन रही है उसमें फर्स्ट टर्म 24 है 9 को छोड़ के, और इसके साथ साथ जो आगे के टर्म्स हैं उनमें 16 का डिफरेंस है। तो इस तरह के जो टोटल टर्म्स होंगे वो n-1 टर्म्स होंगे, और लास्ट में हमने -tn लिखा है। सो अगर आप इस tn को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे सो द tn विल बिकम 9 + Then 24 + 40 एंड सो ऑन सो फोर्थ n-1 टर्म्स तक। और इस सीरीज का अगर आप सम करेंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू n/2। यहाँ पे n का मतलब है n-1 नंबर ऑफ टर्म्स, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन डिफरेंस 16। सो 2 × 1 टर्म + n-1, और यहाँ पे n का मतलब n-1 है, तो n-1 - 1 × कॉमन रेशियो, तो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 16 है। सो दिस इज 9 + n-1/2, सो दिस इज 48 + 16n - 32। सो अगर आप ध्यान से देखें तो 48 माइनस
32 हो जाएगा 16, सो 16 प्लस 16 एन, और बाहर की जो क्वांटिटी है वो एन माइनस 1/2 है, एंड देन 9। अगर आप 16 और 16 एन में से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये 2 और वो 2 डिवाइड हो जाएगा, सो जो बची हुई क्वांटिटी होगी वो होगी 8 + 8 n। फाइन, तो आपने ये इसको एक्सपेंड किया फर्दर, सो 8n - 8 + 8n² - 8n, सो ये 8n और ये 8n कैंसिल हो गए, सीरीज सिंप्लीफाई होके आ गई 8n² + 1, और यही मेरा nth टर्म। सो चूंकि मैंने nth टर्म फाइंड कर लिया है, इसको मैं अपने प्रोग्राम में अगर लिख दूं तो शायद ये कोड सही रन करना चाहिए। सो यहाँ पर मुझे कोड लिखना है, एन मुझे गिवन है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 8 × n × n+1। इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि ये सही रन कर रहा है कि नहीं। कंपाइलेशन कंप्लीट है, उसको मैं सबमिट कर लेता हूँ। सो 203 टेस्ट केसेस थे, सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, सो आई थिंक कि ये मेरा कोड सही से रन गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल कम अगेन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।